निकाय चुनाव को देखते हुए पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई शुरू। खबर जालौन से जहां 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जिसमें प्रेस वार्ता कर जिलाधिकारी चांदनी सिंह और पुलिस अधीक्षक इरज राजा ने बताया कि निकाय चुनाव को देखते हुए पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो चुकी है। जालौन में कल 4 नगर पालिकाओं और 7 नगर पंचायतों और 185 वार्ड सभासदों के लिए वोटिंग होगी, जिसमें 3,97,078 मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग। 150 मतदान केंद्र और 467 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। नगर पालिका व नगर पंचायतों को 12 जोन 52 सेक्टर्स में बांटा गया है। 100 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्ति व वाहनों पर रोक रहेगी। अली जावेद की रिपोर्ट, जालौन, उत्तर प्रदेश। जनपद जालौन नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में आता है, तो मतदान यहाँ पे 4 तारीख यानी कल शेड्यूल है और कल सुबह 7 बजे से 6 बजे तक ही मतदान होना है और इसी के संबंध में हमारी सारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। 467 बूथ है, कुल 150 मतदान केंद्र है और हमने आज रवानगी जो की जा रही है, प्रत्येक तहसील में एक एक सेंटर बनाए हैं रवानगी के लिए और वहीं से नगर निकाय वार सभी पार्टियां रवाना हो रही हैं। पुलिस बल भी सभी जगह मौजूद है जो साथ में पार्टियों के रवाना होगी और पूरी तैयारी हमारी दुरुस्त है। कल पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की साथ में ब्रीफिंग की जा चुकी है, सबको आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारे 52 सेक्टर हैं और 12 जोन हैं, इसी में पूरा जो हमारा निर्वाचन का क्षेत्र है वो विभाजित है और कंट्रोल रूम भी हमारा एक्टिव किया जा चुका है, जिसके माध्यम से हम सारी मॉनिटरिंग तत्काल करते रहेंगे और कोई भी समस्या कहीं आएगी नहीं। सभी बूथों पर सारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं पार्टियों को और कोई भी किसी भी प्रकार की गोपनीयता भंग होने का कोई चांस नहीं और ये निर्वाचन जनपद जालौन में पूरी